इस वेलकम टू टेक्निकल पीआर चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ एच डब्ल्यू ट्वेंटी टू प्रो स्मार्ट वॉच का तो ये जो स्मार्ट वॉच है इसका फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर्स देखने को मिल जाएंगे और क्या नहीं मिलेंगे तो सारी जानकारी देने वाला हूँ पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना लेटेस्ट स्मार्ट वॉचेस के अनबॉक्सिंग रिव्यू सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बॉक्स कंटेंट्स की तो इस स्मार्ट वॉच के साथ आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगी और वायरलेस चार्जर मिल जाएगा जो कि ट्रूली वायरलेस है और उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक पिन नहीं है तो अगर आप चाहे तो इसे घुमा घुमा के भी चार्ज कर सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी ने मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया है क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉच है टोटली सीरीज सिक्स का लुक देने वाली है और अगर आपने हाथ में पहनी हो तो कोई भी देख के नहीं कह सकता कि ये सीरीज सिक्स नहीं है और सेम एप्पल वॉच की तरह इसकी लुकिंग है साइड्स में आपको मेटल फ्रेम देखने को मिल जाएगी और इस साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे स्पीकर और इस साइड में आपको दो बटन देखने को मिल जाएंगे और ये दोनों ही बटन वर्किंग है तो ये वाला जो बटन है इससे आप रेक्ट होम पे जा सकता है और ऊपर वाले बटन को प्रेस करके आप बैक कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस स्मार्ट वॉच के दोनों ही बटन वर्किंग है पीछे की साइड में आपको सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो में आके बात करेंगे कि ये ट्रू सेंसर्स है या फिर यह भी फेक है और ओवरऑल अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है अगर बात की जाए डिस्प्ले की तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है इस स्मार्ट वॉच का और बहुत ही अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करती है ये स्मार्ट वॉच और अगर बात की की जाए तो टच टच तो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और टच रेस्पॉन्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को आएगी और बात की जाए अगर क्राउन की तो क्राउन बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और आपको कहीं कोई लेग्स देखने को नहीं मिलेंगे इस स्मार्ट वॉच के अंदर तो क्राउन भी इसके अंदर वर्किंग होने वाला है इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 33 वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर कस्टम वॉच फेसेस भी ऐड कर सकता है एनिमेटेड वॉच फेसेस भी मिल जाएंगे आपको इस स्मार्ट वॉच के अंदर अगर बात की जाए मेन्यू स्टाइल की तो इसके अंदर आपको फाइव मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से और यहाँ पे इसकी स्मार्ट स्टाइल भी एक बार आपको बता देता हूँ तो स्मार्ट स्टाइल जो है ये लैग करती है तो ये बात ध्यान में रखने वाली है थोड़ा बहुत लैग करती है एज़ कम्पेयर टू एच डब्ल्यू ट्वेंटी टू स्मार्ट वॉच तो स्मार्ट स्टाइल लैग करती है तो ज़्यादा बेटर नहीं है पर इस स्मार्ट वॉच के अंदर एक आपको ऐसी स्टाइल दी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और मैं पर्सनली भी यही वाली स्टाइल यूज़ करता हूँ तो ये स्टाइल मुझे कुछ अच्छी लगी और ये स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही प्रीमियम लुक देने वाली है इस प्रोडक्ट को अगर आप स्मार्ट वॉच को फ़ोन से कनेक्ट करके रखेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो ये स्मार्ट वॉच आपको वन डे का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी और अगर आप फ़ोन से कनेक्ट नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा बैटरी बैकअप भी मिल सकता है ज़ीरो से हंड्रेड तक फुल चार्ज होने के लिए ये स्मार्ट वॉच वन आवर और थर्टी मिनट्स लेती है तो वन आवर और थर्टी मिनट्स के अंदर ये स्मार्ट वॉच फुल चार्ज हो जाती है ये स्मार्ट वॉच आर डी फिट नाम के एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है तो मैं इसे पाँच से छः दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई भी इशू नहीं दिखा है कनेक्टिविटी में और वॉच फेसिस वगैरह आराम से पुश हो जाते हैं तो कनेक्टिविटी को लेके इस स्मार्ट वॉच के साथ कोई भी इशू नहीं है और कंपेरेटिवली आर डी फिट में कम बक्स देखने को मिलते हैं बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले इस स्मार्ट वॉच की सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपके फोन के सारे ही कॉन्टेक्ट सिंक हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों आपके फोन के सारे ही कॉन्टेक्ट सिंक होंगे और आपके फोन पे जब किसी का कॉल आएगा तब आपकी वॉच के अंदर नेम शो होगा नंबर शो नहीं होगा तो ये भी बहुत अच्छी बात है अगर बात की जाए इस स्मार्ट वॉच के स्पीकर क्वालिटी की तो अभी तक मैंने जितने भी क्लोन यूज़ किए हैं उनमें मुझे सबसे अच्छी स्पीकर क्वालिटी इस स्मार्ट वॉच की लगी है क्योंकि इस स्मार्ट वॉच के स्पीकर्स लाउड भी है और क्लियर भी है तो आप चाहे तो फ़ोन कॉल्स पे आराम से बात कर सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको एक छोटी सी क्लिप मैं शेयर करता हूँ जिसमें मैं फ़ोन पे किसी से बात करने वाला हूँ हेलो हाँ बोल मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या हाँ आ रही है एकदम क्लियर हाँ। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि आज मैथ्स की क्लास है क्या नहीं कल हाँ। चल, थीक है कल है ना चल ठीक है ठीक है ओके थैंक यू हाँ। इस स्मार्ट वॉच में आपको फिटनेस से रिलेटेड बहुत ही सारे फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि हार्ट रेट सेंसर ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन थर्मोमीटर ऐसे बहुत ही सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बता दूं कि ये सारे जो ऑप्शन है ये फेक है और इसे मैं एयर के अंदर भी ऑन करके आपको बता देता हूं एयर के अंदर भी ये रीडिंग्स शो कर देगा तो ये जो क्लोन वॉचेस होती है किसी भी क्लोन वॉच के अंदर ट्रू सेंसर्स नहीं होते हैं तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर भी ट्रू सेंसर्स नहीं है यहाँ पे नॉर्मली एल लाइट्स है जो कि सेंसर्स तो किसी काम के नहीं है पर अगर आपको शो ऑफ वगैरह करना हो तो आप इन सेंसर्स को ऑन करके शो ऑफ वग़ैरह कर सकते हैं क्योंकि ये स्मार्ट वॉचेस सिर्फ शो ऑफ के लिए होती है तो इनके अंदर ट्रू सेंसर्स नहीं दिए जाते हैं ये सिर्फ आप शो ऑफ की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आपको बाकी के सेंसर्स भी फेक मिलेंगे जैसे कि ऑक्सीजन हो गया ब्लड प्रेशर हो गया और टेम्परेचर हो गया तो ये सारे फिटनेस फीचर्स से रिलेटेड फ़ीचर्स फेक दिए गए हैं इस स्मार्ट वॉच के अंदर तो अब इस स्मार्ट वॉच के कुछ एप्लीकेशंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तो यहां पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस का सपोर्ट मिल जाता है जिनमें से ये जो फिटनेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस है ये फेक होता है तो ये तो किसी काम के नहीं होते पर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो काम के भी होते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले मैसेंजर है तो मैसेंजर के अंदर आपके सारे मैसेजेस आ जाएंगे तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है और इसके अंदर डायल पैड कॉन्टैक्ट्स और कॉल लॉक्स ये तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल है तो आपके लिए कॉलिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी वॉच होने वाली है उसके बाद कनेक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारे आपको फीचर मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्लीप मॉनिटर तो स्लीप मॉनिटर भी मैं एक्यूरेट नहीं कहूँगा इसे मैंने एक दो बार यूज़ किया है तो ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है तो इसे मैं 20% तक ही एक्यूरेट कह पाऊंगा उसके बाद है वेदर वेदर बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फोन से सिंक हो जाता है इस स्मार्ट वॉच के अंदर और बहुत ही प्रीमियम लुकिंग देता है इस स्मार्ट वॉच को उसके बाद है वॉकिंग तो पेडोमीटर इसका फिफ्टी परसेंट तक एक्यूरेट है बाकी हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट नहीं है उसके बाद आपको बेसिक से फीचर्स मिल जाएंगे जो कि लगभग आपको सारी ही स्मार्ट वॉच इसमें मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा म्यूजिक कंट्रोलर तो यहाँ से आप अपने फ़ोन के म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं प्ले पॉज कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे कैलेंडर है अलार्म्स है स्टॉप वॉच है फाइंड माई डिवाइस थर्मोमीटर तो फेक है उसके बाद सेटिंग्स सेटिंग्स के अंदर बाकी सारे आपको वही फीचर्स देखने को मिल जाएंगे सेटिंग्स के अंदर आपको पासवर्ड का ऑप्शन तो मिल जाएगा पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं है स्मार्ट वॉच में तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है उसके बाद आपको बेसिक से फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि सेडिमेंट्री रिमाइंडर रिमोट कैप्चर कैलकुलेटर और यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग्स के अंदर आप एक टाइम पे एक ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो ये बेकार फीचर है और ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है वेकअप गेस्टर इसका थोड़ा बहुत ही अच्छे से काम करता है बहुत अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है तो ये भी इतना काम का फ़ीचर नहीं है उसके बाद यहाँ पे आपको पावर सेविंग मोड मिल जाएगा और इसे मैंने ऑन करके चेक किया था तो इससे होता ये है डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम हो जाएगी और आपके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे पर इससे फायदा ये होता है ये जो स्मार्ट वॉच है टू डेज का बैटरी बैकअप दे देगी अगर आप ये मोड ऑन रखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़े बहुत गेम्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे आप गेम्स वगैरह भी खेल के टाइम पास कर सकते हैं पर स्मार्ट वॉचेस के अंदर गेम्स खेलना टोटली totally, मेरे को टाइम वेस्ट लगता है और आपको भी पसंद नहीं आएगा मुझे पता है और उसके बाद है ड्रिंक रिमाइंडर तो ये फ़ीचर मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये फ़ीचर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करता है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एन एडल्ट नीड एन एवरेज ऑफ 2.5 लीटर ऑफ वाटर पर डे तो ये आपको अच्छी तरीके से रिमाइंड करता रहता है हर एक घंटे बाद आपको वाटर पीने के लिए रिमाइंड करता है तो ये फ़ीचर मुझे यूज़फुल लगा और अच्छा फ़ीचर दिया गया है इस स्मार्ट वॉच के अंदर उसके बाद ये जो आप सारे एप्लीकेशन देख रहे हैं आपके फोन से जो भी नोटिफिकेशन होंगे रेस्पेक्टिवली इन एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे जैसे कि व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आपको इस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे फेसबुक के आपको इस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे और इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे तो ये था पूरा रिव्यू एच डब्लू ट्वेंटी टू प्रो स्मार्ट वॉच का तो ये जो स्मार्ट वॉच है मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको टू थाउजेंड रुपीज के अंदर ऐसी कोई कॉलिंग वॉच चाहिए जिसके अंदर अच्छे वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाए और बहुत ही प्रीमियम लुकिंग वाली आपको वॉच मिल जाए फीचर्स आपको थोड़े बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे और डिस्प्ले अच्छी मिल जाए टच रेस्पॉन्स वगैरह अच्छा मिल जाए तो ये स्मार्ट वॉच आपको जरूर बाय करनी चाहिए और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको ट्रू हार्ट रेट सेंसर चाहिए या फिर ट्रू फिटनेस के फीचर्स तो ये वॉच मत लेना क्योंकि आपके किसी काम की नहीं है तो मेरा काम था इसका फुल रिव्यू तो तो स्मार्ट है, इसकी बाई लिंक मैं आपको दे दूंगा में आप सभी के दिमाग में ये डाउट है कि ये लेनी या फिर डी टी हंड्रेड स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए लेके तो आ जाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि दोनों में से कौन सी वॉचेस बेस्ट है बाकी अगर बात करूं ऊपर ऊपर से तो फिर मैं आपको बेसिक सा डिफरेंस यह बता सकता हूं कि आपको अगर कोई ऐसी वॉच चाहिए जिसके अंदर आपको ज्यादा फीचर्स मिले तो आपको लेनी चाहिए एच डब्लू ट्वेंटी टू प्रो स्मार्ट वॉच और अगर आपको कोई ऐसी वॉच चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी सुपीरियर हो बिल्कुल जो नेक्स्ट जो सीरीज सिक्स वाली क्वालिटी होती है वो वाली क्वालिटी में चाहिए तो आपको डी टी हंड्रेड लेनी चाहिए क्योंकि उस स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सीरीज सिक्स जैसी है और वन परसेंट भी उसके अंदर फर्क नहीं है तो बिल्ड क्वालिटी जो है वो डी टी हंड्रेड की ज्यादा बेटर है पर फीचर्स आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे एच डब्लू ट्वेंटी टू प्रो में तो मैं आपको दोनों की ही बाई लिंक और प्राइस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको जो भी वॉच बाय करनी हो आप उसे बाय कर सकते हैं तो यहाँ पे ये वीडियो मैं एंड करता हूँ अच्छा लगा हो तो लाइक करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ